गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू अनदर ऑनलाइन क्लास। सो इन योर लास्ट क्लास वी हैव जस्ट डिस्कस्ड यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ओके, मेजरमेंट रे बोले आम कौन कही जदि गोटे फिजिकल क्वांटिटी को तार सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी सहित आम कंपेयर करुचे तेल से ही मेथडटा आम कहले मेजरमेंट, जोटि आम मास रो जो क्वांटिटी को 1 kg को आम 1000 ग्राम रे कन्वर्ट कले 1 किलोमीटर को 1000 मीटर रे कन्वर्ट कले, तो ये टाइप रे मेजरमेंट को आम कौन कहले बोले ना सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। जो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट आम मेनली दुईटा क्वांटिटी उपरे डिपेंडेंस पाइले, गोटे डिपेंड करुचि नेम ऑफ यूनिट उपरे, सेकेंड थिंग डिपेंड करुचि हाउ मेनी टाइम्स द गिवन क्वांटिटी इज रिपीटेड इन द फिजिकल क्वांटिटी, से केते थर रिपीट अछि से फिजिकल क्वांटिटी भितर। ओके, तो गोटे को आम सिंबल देले यू, आ गोटे को सिंबल देले पिले एन, तेणु एक्स इक्वल टू लिखिले एन यू, मेजरमेंट इक्वल्स टू एन यू, नंबर ऑफ टाइम्स इनटू यूनिट। तेणु से गोटे पिले रिलेशन पाइले स्मॉलर बी द यूनिट देन लार्जर बी द वैल्यू, स्मॉलर जिते यूनिट आसब एन लो वैल्यू पिले से लार्ज आसब, जिते आम स्मॉलर यूनिट आड़क जावा तो एन लो वैल्यू से पिले लार्ज आसब। देन आम पिले कौन कहलु ना यूनिट, यूनिट को पिले दुईटा पार्ट डिवाइड कले, गोटे है फंडामेंटल यूनिट आ गोटे डिराइव यूनिट। तो आम कहले फंडामेंटल क्वांटिटी थी 7 तो मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करेन्ट, लुमिनस इंटेनसीटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो मास को आम पिले यूनिट मेजर कले किलोग्राम, लेंथ को पिले मीटर, देन आम मेजर कले टाइम को सेकेंड रे, इलेक्ट्रिक करेन्ट को आंपियर रे, टेम्परेचर को केल्विन रे, लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल रे। सेमिति आम पिले डिराइव यूनिट कौन कही ना जो यूनिट्स गुड़ाक फंडामेंटल यूनिट उपरे डिपेंड करूक आम कह डिराइव यूनिट, जोटा आम कहले वेलोसिटी बा स्पीड, स्पीड इक्वल टू पिले डिस्टेंस बाय टाइम, तो आम कहले मीटर सेकेंड इनवर्स, ओके बा मीटर पर सेकेंड, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बाक आम कहले पिले न्यूटन, ओके न्यूटन बाक आम कहले कौन ना केजी मीटर सेकेंड टू दि पावर -2। तो ये टाइप रे आम डिफरेंट क्वांटिटी उपरे आम प्रीवियस क्लास रे डिस्कशन करथिले। तो ये क्लास रे पिले आम डिस्कशन करिबा कौन ना सिस्टम ऑफ यूनिट्स उपरे, आम जो यूनिट्स को आम डिफरेंट कैटेगोरी रे जो मेजरमेंट सिस्टम को आम कौन करचे ना डिफरेंट सिस्टम रे डिवाइड करचे। सो सिस्टम ऑफ यूनिट्स कौन आसुची, ओके सो मेनली आम 4टा सिस्टम ऑफ यूनिट सहित एटी डील करिबा। ओके, कौन कौन से सिस्टम आसुची, सो आस पिले देखिबा सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स देख पिले जो सिस्टम ऑफ यूनिट को मेनली आम केतरा पार्ट रे डिवाइड करूचे 4टा पार्ट रे डिवाइड कर दोचे। तो फर्स्ट पार्ट कौन आसुची, फर्स्ट पार्ट को आम कहे सो इट इज मेनली डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट कौन आसुची पिले ना CGS सिस्टम, फर्स्ट पार्ट को आम कौन कहे पिले CGS सिस्टम, सेकेंड पार्ट को कौन आसवा पिले ना MKS सिस्टम। डिस्कशन करिबा जे कौन कौन आसुची इच टर्म गुड़ाक, थर्ड पार्ट बिले कौन आसला ना FPS सिस्टम, FPS सिस्टम, फोर्थ पार्ट रे आसला पिले SI सिस्टम, SI सिस्टम, ओके बा जेटा कहुए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट, SI को कौन कह जाए पिले ना इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, SI सिस्टम को अदरवाइज कह जाए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, CGS, MKS, FPS एंड SI सिस्टम। देखिए बोले इच जो पार्ट गुड़ाक आम कहे आहरी भी गोटे एडिशनल पार्ट तुम लिखा जाए जे रखा आम कहा जाए कौन डिफरेंट बुक्स रे भी तुम पाइब MKSA, बट बोले ये यूनिटा को आम से MKS यूनिट भितर ही रिप्रेजेंट करचे, जेहेतु आम से MKS यूनिट भितर रिप्रेजेंट करचे तो तेणु आम आउ गोटे एडिशनल टर्म रे दबा नाही। तो पिले ये आम कौन पाइले ना सिस्टम ऑफ यूनिट को बा मेजरमेंट रो सिस्टम को आम कौन कले ना 4टा मेन कैटेगोरी डिवाइड करदे। जो 4टा मेन कैटेगोरी गोटे है CGS,
MKS, FPS आउ SI सिस्टम। तो गोटे गोटे पार्ट को पहले डिस्कशन करिबा आ गोटे गोटे पार्ट रे आमे कोउ सिस्टम को बा कोउ फिजिकल क्वांटिटी को कोउ यूनिट रे मेजर करिबा क्यों फिजिकल क्वांटिटी को क्यों यूनिट रे मेजर करिबा ता उपरे भी डिस्कशन करिबा। माने कर फर्स्ट पहले आसीबा CGS सिस्टम को CGS सिस्टम देख पे CGS सिस्टम कौन कहूँ ना CGM सिस्टमटा मीन्स CGS सिस्टम रो फुल फॉर्म कौन आसुची ना सेंटीमीटर पहले मन रख भल से सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम बोली कह जाए सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड CGS CGS है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ओके तो CGS मीन सेंटीमीटर माने पिले कहार वैल्यू आसला ना लेंथ रो वैल्यू तो मैंने गोटे CGS सिस्टम रे आमे लेंथ बा डिस्टेंस को लेंथ बा जेटा आमे कहूँ डिस्टेंस पिले डिस्टेंस को कौन मेजर करवा ना सेंटीमीटर रे ओके तो CGS सिस्टम रे आम लेंथ को मेजर करवा सेंटीमीटर बाकी पिले लिखा जाए CM ओके सेकेंड रे पिले कौन लिखा लेंथ पर आसला आमर मास ग्राम अच्छी तमें पिले मास को ये मेजर करवा कौन थे ना ग्राम रे मास को मेजर करवा कौन ना ग्राम यूनिट रे एगुटा पिले तार कौन ना यूनिट्स ओके एटा कौन पिले ना फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी ओके तो ग्राम सिंबल पिले आसीबो स्मॉल जी ओके देन पिले आसला सेकेंड सेकेंड मीन्स पिले टाइम तो टाइम को पिले कौन थे मेजर करवा सेकेंड रे टाइम को मेजर करवा सेकेंड दैट इज स्मॉल एस ओके ताले CGS सिस्टम मीन्स सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ओके सेंटीमीटर मीन्स आम कौन लेंथ को मेजर करवा सेंटीमीटर तमें यही सिस्टम जो मेजर करवा जो CGS सिस्टम आम डिस्टेंस को मेजर करवा तो पहले डिस्टेंस को आम सेंटीमीटर में मेजर करवा मास को मेजर करवा ग्राम रे टाइम को मेजर करवा सेकेंड रे तेनाली कौन यहाँ कौन ना CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स सेकेंड को आसवा पे MKS सिस्टम MKS सिस्टम MKS सिस्टम MKS सिस्टम रे पिले कौन आसुची ना जब MKS सिस्टम माने कौन ना मीटर किलोग्राम मीटर किलोग्राम सेकेंड मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम MKS सिस्टम माने कहे मीटर किलोग्राम सेकेंड MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड तो मीटर अच्छी माने पिले लेंथ को कौन थे मेजर करवा ना आम कह लेंथ एटी मेजर हम लेंथ को यहाँ मोर हो फिजिकल क्वांटिटी एपटे आसवा पे यूनिट यूनिट तो फिजिकल क्वांटिटी लेंथ को मेजर करवा मीटर रे लेंथ को मेजर करवा मीटर पे स्मॉल एम ओके देन पिले आसवा मोर मास मास को पिले मेजर करवा कौन थे ना किलोग्राम रे किलोग्राम रे पिले आम कह केजी ओके देन आम कहले पिले टाइम 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 को मेजर करवा सेकेंड सेकेंड रे मेजर करवा पिले कौन आसला ना एस ओके तले आम कहले MKS मीन्स मीटर किलोग्राम सेकेंड तम तुमको जब फिजिकल क्वांटिटी दे थो MKS सिस्टम रे मेजर करने जो तुमको लेंथ आसो सिंबल पे यूनिट कौन दबो मीटर दबो जो मास आसो किलोग्राम दबो जो टाइम आसो सेकेंड दबो बुझीगला तेरे यहाँ कह जाए MKS सिस्टम यूनिट थर्ड सिस्टम को आसवा पे FPS 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 कह जाए कौन FPS सिस्टम FPS सिस्टम माने कौन कहे पे फुट पाउंड सेकेंड
फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट एफ पी एस को आम कहे पिले के फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट तो फुट हेल्ले पिले लेंथ को जो कौन सी डिस्टेंस को लेंथ को एफ पी एस रे मेजर करने तुम कह तुम्हें से लेंथ को कौन मेजर कर फिजिकल क्वांटिटी लेंथ तार यूनिट कौन आसो तार यूनिट आसला लेंथ को मेजर करवा फुट रे एटे लेंथ को मेजर करवा फुट सिंबल पिले एफ टी सेकेंड पिले आसला पाउंड पाउंड ओके सॉरी मास मास ताको पिले मेजर करवा कौ थे पाउंड रे एल बी देन सेकेंड जो आम कहे टाइम टाइम को मेजर करवा पिले सेकेंड रे तले एटा हमर आसला कौन ना सिस्टम ऑफ मेजरमेंट दैट इज कॉल्ड फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट देन पिले आसवा एसआई सिस्टम जो आम कहे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एसआई सिस्टम को कौन कहे पिले ना इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एसआई सिस्टम डाकू पिले कौन कहा जाए ना इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स प्ले इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट रे हमें केमिति मेजर करवा डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को हमें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट भितरे हमें इनक्लूड करूचे सातटा फंडामेंटल क्वांटिटी को आ दुईटा सप्लीमेंटरी यूनिट को ओके तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट रे हमें कौन कौन इनक्लूड करूचे एटी कहा को मेजर करवा ना दिस सिस्टम मेनली कंसिस्ट्स ऑफ सेवन फंडामेंटल यूनिट एंड टू सप्लीमेंटरी यूनिट दुईटा सप्लीमेंटरी फिजिकल क्वांटिटी पिले कही थे गोटे है स्ट्रेट प्लेन एंगेल आ गोटे आम कही सॉलिड एंगेल ओके तो मेनली इट कंसिस्ट्स ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ सिस्टम इट कंसिस्ट्स ऑफ इट कंसिस्ट्स ऑफ सेवेन फंडामेंटल यूनिट सेवेन फंडामेंटल यूनिट्स एंड टू सप्लीमेंटरी यूनिट्स टू सप्लीमेंटरी टू सप्लीमेंटरी यूनिट तले पिले इंटरनेशनल सिस्टम रे हमें कहा को इनक्लूड करे ना सातटा फंडामेंटल यूनिट को आ दुईटा सप्लीमेंटरी यूनिट को इनक्लूड करे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट रे हमें जो सातटा फंडामेंटल क्वांटिटी आ दुईटा सप्लीमेंटरी क्वांटिटी नौजे ताको हमें कौन सिस्टम ऑफ यूनिट रे मेजर करवा आ तार करेस्पोंडिंग सिंबल कौन तो पिले टेबुलेशन करके डिस्कशन करवा तो जब हमें फर्स्ट नौचे सेवेन फंडामेंटल यूनिट्स को तले सेवेन फंडामेंटल यूनिट्स को एमके सॉरी इंटरनेशनल सिस्टम रे केमती आसीबो फंडामेंटल यूनिट्स बा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करिबा केमती मनेकर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी तार सिंबल आउ तार यूनिट्स तीनटा पार्ट रे पिले डिवाइड कर देले ओके देख पे आम सेवेन फंडामेंटल फास्ट आपको आम कहे कौन ना मास पे मास को ये कमी मेजर करवा फिजिकल क्वांटिटी क्वांटीटी आम कहे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी तार कौन आसो यूनिट ये पे लिखा सिंबल्स सिंबल ओके फर्स्ट पिले कौन लिखा फर्स्ट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी रे मनकर आसला मास
पहले मास को हमें एठी एसआई बा इंटरनेशनल सिस्टम रे मेजर करबा किलोग्राम रे मास को मेजर करबा किलोग्राम रे ताको सिंबल कोन दबा से यूनिट रो सिंबल केजी यूनिट सिंबल बिले आसीबो केजी स्मॉल के जी ओके सेकंड बिले कोन आसीला न लेंथ 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 को बिले मेजर करबा मीटर रे लेंथ को मेजर करबा मीटर ता सिंबल हैला पिले स्मॉल एम ओके थर्ड रे पिले आसीला कोन टाइम टाइम को पिले मेजर करबा सेकंड रे सिंबल स्मॉल एस ओके नंबर 4 टेंपरेचर पिले आसीला केल्विन कैपिटल के पिले स्मॉल आउ कैपिटल काहे की कहू छी ता रूल्स भी कहि भी जे यूनिट्स को लिखिया पई ता रूल्स कोन अछि ओके नंबर 5 इलेक्ट्रिक करंट को पिले एम्पियर पिले स्मॉल ए एठी स्मॉल के ओके एम्पियर पिले एम्पियर आसीला कैपिटल ए ओके एठी पिले मु लेखिली सबुडा को स्मॉल रे एठी भी लेखिली सबुडा को स्मॉल रे बट सिंबल देली कैपिटल के एठी सिंबल देली कैपिटल ए एठी केल्विन स्मॉल के बट सिंबल हमें कैपिटल के रे दउचे देन नंबर 6 पिले आसीला लुमिनस इंटेंसिटी पिले कैंडेला पिले स्मॉल सी स्मॉल डी ओके देन नंबर 7 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पिले ताको कोन लिखा जाए मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल सबुडा छोटो लेटर रे रहिबो एठी एम ओ एल ता सिंबल हैला एम ओ एल ओके तो ए टाइप रे हमें 7टा फंडामेंटल क्वांटिटी को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट रे मेजर करछे मास को किलोग्राम लेंथ को मीटर टाइम को सेकंड टेंपरेचर को केल्विन इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल एउटा रहला तार पिले करेस्पोंडिंग सिंबल एबे देखिया 7टा फंडामेंटल क्वांटिटी गला सेकंड रे पिले आसीबा कोन ना दुईटा जो सप्लीमेंटरी यूनिट अछि सब सप्लीमेंटरी यूनिट भीतर में कोन कोन पिले नेखिले द सप्लीमेंटरी यूनिट भीतर में कंसीडर करिछु बुझेला पिले सप्लीमेंटरी यूनिट्स भीतर हमें पहले ठे हमें कौन करिबा ना फिजिकल क्वांटिटी देन तारा दबा पिले यूनिट देन पहले दबा सिंबल ओके देख पिले आम कहे जो फिजिकल क्वांटिटी आम कहले सप्लीमेंटरी फिजिकल क्वांटिटी आम दुईटा मेनली सप्लीमेंटरी फिजिकल क्वांटिटी कहे गोटे है कौन ना प्लेन एंगल को पिले मेजर करा जाए रेडियन यूनिट रे प्लेन एंगल को मेजर करिबो रेडियन यूनिट रे पिले ता सिंबल कौन दिया जाए आरडी तो सिंबल हो पिले आरडी रेडियन यूनिट को आम कौन कहे आर ए डी ओके रेडियन सेकेंड एक हमें कहे कौन ना सॉलिड एंगल को पिला हमें मेजर कहे स्टेरिडियन पिले कमी मेजर कर जाए स्टेरिडियन एस आर बोल लिखा जाए स्टेरिडियन एस आर ओके तो यही टाइप पिला हमें फिजिकल क्वांटिटी रे मेजर करूचे तो आम पाइले जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट रे आम पाइले मीटर किलोग्राम सेकेंड केल्विन एम्पियर कैंडेला मोल ये जमी पाइले रेडियन एंड स्टेरिडियन बुझेगा पिले एटी एवं कौन करवा जब आम कंपेयर करवा देख पिले एम के
एस यूनिट को जदि देखिबा ओके जेटा हमें कहे मीटर किलोग्राम सेकेंड मीटर किलोग्राम सेकेंड तमाने एठी जो सिस्टम हमें मास लेंथ आउ टाइम को जदि ऑब्जर्व करिबा मास लेंथ आउ टाइम जे मीटर किलोग्राम सेकेंड ए तीनटा का को यूनिट रे भी रहूची एमके सिस्टम रे तो एमके सिस्टम टा अप्रोक्सीमेटली बिले कहा सहित समान थाए ना इंटरनेशनल सिस्टम सहित तो एमके सिस्टम ऑफ मेजरमेंट कहा सहित समान आसे ना इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट बा एसआई यूनिट सहित सेम आसे तो एसआई यूनिट कहिले पिले हमें एमकेएस यूनिट को ही रिप्रेजेंट करिबा बुझीगला तो यहाँ हमें कहले डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स ओके बट ये सिस्टम ऑफ यूनिट रे हमें किसी प्रैक्टिकल यूनिट मेजर करूँ किसी प्रैक्टिकल यूनिट्स जोड़ा को हमें कहले युवा कौन स्टैंडर्ड वैल्यू तले तुम्हें जोठी भी जाओ वर्ल्ड डिफरेंट पॉइंट को गले भी डिफरेंट प्लेस को गले भी तो ये यूनिट गुड़ाक पूरा टोटली इंटरनेशनली आम यही सब यूनिट को ही मेजर करवा डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी रे बट प्लेस टू प्लेस प्रैक्टिकल यूनिट वेरी करे आम मास लेंथ टाइम यही जो फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट क्वांटिटी रो जो प्लेस टू प्लेस कौन हुए ना प्रैक्टिकल यूनिट्स वेरी करे सो किसी प्रैक्टिकल यूनिट्स डिस्कशन करवा मनकर मास लेंथ टाइम बा डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी तार प्रैक्टिकल यूनिट्स उपरे डिस्कशन करबा सो किछ प्रैक्टिकल यूनिट्स कोन कोन आसुची ओके मनकर प्रैक्टिकल यूनिट रे देखिबा जे मास एरिया डिस्टेंस ताकू केमिति मेजर करजे पहिले त माने जनरली डिस्टेंस को केमिति मेजर कर आमे डिस्टेंस रे प्रैक्टिकल यूनिट कोन यूज करू ना डिस्टेंस जेतु उठे लार्जर वैल्यू को आमे रिप्रेजेंट करि परबा देखो पहिले स्मॉल सिटी भीतर डिस्टेंस को आमे किलोमीटर रे मेजर करि परबा मनकर दुईटा स्मॉल सिटी भीतर डिस्टेंस कहिची ताले पहिले तक आमे भुवनेश्वर बालेश्वर हो ए सिटी भीतर डिस्टेंस को पहिले पहिले तमे कहबो ना एतिके किलोमीटर दिरा स्मॉल सिटी भीतर डिस्टेंस को आमे किलोमीटर रे दिरा स्मॉल पॉइंट भीतर डिस्टेंस को आमे सेंटीमीटर रे बा जेकोनसी दुईटा लार्ज पॉइंट भीतर डिस्टेंस को आमे मीटर रे मेजर करू ओके जदि आमे ताठु लार्जर यूनिट को जिबा बा ताठु एक्सट्रीमली स्मॉलर यूनिट को जिबा तो से केस रे आमे कोन कोन प्रैक्टिकल यूनिट्स यूज करबा तनो फॉर मेजरिंग डिस्टेंस तो प्रैक्टिकल यूनिट्स आर सम प्रैक्टिकल यूनिट्स सम प्रैक्टिकल यूनिट्स फर्स्ट वन रे देखिबा पिले कहा पाई ना डिस्टेंस पाई फर्स्ट देखिबा डिस्टेंस केस रे जदि हमें डिस्टेंस को नौचे प्रैक्टिकल यूनिट पिले कौन यूज करू ना स्मॉल यूनिट गुटे यूज करिबा हमें फॉर मी पहले स्मॉल यूनिट गोटे यूज करवा कौन ना फॉर्मीटा कहार मेजरमेंट यूनिट ना डिस्टेंस मेजरमेंट यूनिट ताको पहले केमती रिप्रेजेंट करा जाए ना वन फॉर्मी बोली तो फॉर्मी रो वैल्यू पहले स्टैंडर्ड यूनिट सहित गोटे स्टैंडर्ड यूनिट सहित बा मीटर सहित तो पहले तहार रिलेशन कौन आसूची ना 10^-15 मीटर पहले मीटरटा है स्टैंडर्ड यूनिट तो वन फॉर्मी इक्वल टू 10^-15 तो दैट इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट एटा को कौन पिले हमें कहूचे ना स्मॉलेस्ट यूनिट बोली कहूचे सेकेंड रे पिले देखिबा कौन ना आंगस्ट्रॉन्ग आ गोटे स्मॉलेस्ट यूनिट आम यूज करू जेटा हमें कहे आंगस्ट्रॉन्ग आंगस्ट्रॉन्ग तो आंगस्ट्रॉन्ग रो वैल्यू केते आसुची आंगस्ट्रॉन्ग रो वैल्यू आसुची आमे ताको सिंबल केमिति रिप्रेजेंट करिबा ना वन ए उपरे गोटे जीरो मार्क दब देख पिले कैपिटल ए उपरे गोटे जीरो मार्क जदि आमे रिप्रेजेंट करूचे ताले ये आंगस्ट्रॉन्ग को रिप्रेजेंट करिबो ताले वन आंगस्ट्रॉन्ग इक्वल टू केते स्टैंडर्ड यूनिट रे ना 10^-10 मीटर 10^-10 मीटर पिले एउडा आमे कोठी मेजर करिबा ना लाइट रो वेवलेंथ मेजर करिया पई लाइट रो फ्रिक्वेन्सी केस लाइट रो वेवलेंथ रे को आमे कोन कोन वेवलेंथ लेंथ को रिप्रेजेंट करूची ताले आमे कहूचे एठी कहा को ना आंगस्ट्रॉन्ग यूनिट रे मेजर करू ओके देन पिले आसवा कौन नंबर सी देख तुम्हें मैंने जाथ पिले लाइट ईयर तुमने शुनी थो अच्छा लाइट ईयर पूर्व आसवा वन माइक्रोन
वन माइक्रोन को भी हमें कौन ना दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट ताको केमती सिंबल दिया जाए वन माइक्रोमीटर वन माइक्रोमीटर प्लेट है माइक्रो माइक्रो सिंबल हूँ कौन ना म्यू एटा कह जाए म्यू बोली वन माइक्रोमीटर तो मैंने यार वैल्यू आसूँ 10^-6 meter 10^-6 meter नंबर डी आसवा पे लाइट ईयर वन लाइट ईयर पे लाइट ईयर जाच आलोक वर्ष जेटा आम कहे लाइट गोटे वर्ष रे जी दूरता अतिक्रम करें कह जाए पे आलोक वर्ष आलोकर तुम्हें मैंने बेग जाच 3×10^8 मीटर पर सेकेंड ओके तले गोटे वर्ष पाई जो आम काल्कुलेट करवा पे तार वैल्यू आसो के 9.467×10^15 मीटर तो वन लाइट ईयर रो स्टैंडर्ड वैल्यू के आसूसी ना 9.467×10^15 meter 10^15 meter ओके यहाँ मैंने कौन ना लाइट डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट विन वन ईयर ओके ये मैंने कौन आसूची ना इट इज द डिस्टेंस इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट ट्रैवल्ड बाय लाइट इन वन ईयर गोटे इयर पे आम जी डिस्टेंस लाइट ट्रैवल करे सेटा को कहा जाए कौन लाइट इयर आहरी भी पे आम लार्जर यूनिट यूज करू गोटे कह जाए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आ गए कह जाए पारालैक्टिक सेकेंड डिस्टेंस को मेजर करने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मेजर करू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पहले वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट रो वैल्यू आसूँ के 1.496×10^11 मीटर ओके एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पहले एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आम कौन कौटी मेजर करवा ना गोटे प्लानेट आ गोटे प्लानेट भितर डिस्टेंस जो आम आर्थ आउ सन भितर डिस्टेंस मेजर करवा पे आम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट रिप्रेजेंट करवा दोटा लार्ज डिस्टेंस भितर आम कहे प्लानेट रू प्लानेट भितर डिस्टेंस हो ओके सन आर्थ भितर हो नले सन रु मर्क्यूरी हो नले सन रु सैटर्न हो पे ये टाइप रो आम डिपेंड करूचे ये टाइप रो मेजरमेंट नौचे तो यहाँ को आम कौन कह पे ना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यटा को मेजर करवा कौन ना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट रे जदि पे अधिक डिस्टेंस को आस ताठू अधिक डिस्टेंस को आसवा ताले पिले ताको कह जाए पारालैक्टिक सेकेंड पारालैक्टिक सेकेंड पारालैक्टिक सेकेंड रो पिले वैल्यू केते आसुची ना वन पारालैक्टिक सेकेंड इक्वल टू 3.08×10^16 मीटर 3.08×10^16 मीटर देख पे ये यूनिट आम डी ई एफ रे लिखले युटा कौन गोटे लार्ज सिस्टम ऑफ यूनिट माने डिस्टेंस रो लार्ज यूनिट ऑफ मेजरमेंट यहाँ हूँ डिस्टेंस रो गोटे गोटे लार्ज यूनिट ऑफ मेजरमेंट ए बी सी रे जोड़ा लिखीचे से माइक्रोन हो आंगस्ट्रोंग हो फर्मी हो यहाँ हूँ स्मॉल यूनिट ऑफ मेजरमेंट यहाँ पे कौन कौन ना गोटे डिस्टेंस रो स्मॉल यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करुची ये सब डिस्टेंस रो गोटे लार्ज यूनिट जो डिस्टेंस एक्सट्रीमली लार्ज थी तेल से केस आम ये यूज कर पार्बा कितु डिस्टेंस बिटवीन टू सिटी पे कमी रिप्रेजेंट करवा बट आम जेनेली जिते मेजर करूँ डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इज मेजर्ड बाय किलोमीटर ताको पे कौ यूनिट रे मेजर करूँ किलोमीटर रे मेजर करूँ जदि आम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट दुईटा पॉइंट भितर जब आम पे डिस्टेंस को मेजर करवाक आम सेंटीमीटर रे मेजर करूँ दुईटा पॉइंट भितर डिस्टेंस को आम पे कौन मेजर करूँ सेंटीमीटर भितर सेंटीमीटर बा मीटर सेंटीमीटर एंड मीटर आर यूज टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू स्मॉल पॉइंट दुईटा स्मॉल पॉइंट भितर डिस्टेंस को मेजर करने
आम क्या पिले यूज करू सेंटीमीटर मीटर रे एटा थिला प्रैक्टिकल यूनिट कहार ना डिस्टेंस रो नेक्स्ट आसवा पिले गोटे प्रैक्टिकल यूनिट कहार ना एरिया रो ओके नंबर टू रे आसवा पिले एरिया ओके जितने पहले एरिया हमें कंसीडर करूचे एरिया को हमें स्मॉलेस्ट यूनिट रे भी मेजर करू लार्जर यूनिट रे भी मेजर करू जब हमें एक्सट्रीमली स्मॉलेट पहले एरिया माने हमें कहते लेंथ इनटू ब्रेथ तमाने गोटे होगा डिराइव फिजिकल क्वांटिटी जदि डिराइव फिजिकल क्वांटिटी अच्छी तेल पहले एक्सट्रीमली स्मॉल एरिया को जब हमें मेजर करवा कौन यूनिट रे मेजर करा जाए ना बारन यूनिट रे सो वन बारन वैल्यू कैसे आसूसी पे ना 10^-28 एरे पे आसवा एक्सट्रीमली स्मॉल एरिया को जब जा पहले एक्सट्रीमली स्मॉल एरिया को मेजर करा जाए बारन रे ओके वन बारन इक्वल टू 10^-28 पहले एरिया तो मीटर स्क्वायर यूनिट रे आसीबो 10^-28 मीटर स्क्वायर तापर भी पहले तुम मैंने घरे सुनी थी वो एकर रे मेजर करा जाए हेक्टर रे मेजर करा जाए तो एकर रो पहले वैल्यू केते आसुची ना 1 acre जदि आसीबा पिले 1 एकर वैल्यू केते ना 4047 मीटर स्क्वायर 4047 मीटर स्क्वायर देन पिले आसीबा हमें हेक्टर रे जदि हमें हेक्टर रे मेजर करूछु तले केते आसी जीवो हेक्टर 1 हेक्टर इक्वल टू 1 हेक्टर इक्वल टू 10^4 मीटर स्क्वायर तो यहाँ पे आसीगला हमर कहार ना प्रैक्टिकल यूनिट फॉर एरिया ओके समिति बोले प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास आसीबा प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास मास को पिले मेजर करू तुम्हें जानिथिबो क्विंटल मास को क्विंटल टन एथरे मेजर करू जे तो क्विंटल वैल्यू केते आसीबो जदि पिले 1 क्विंटल को आसीबा तो 1 क्विंटल को हमें स्टैंडर्ड यूनिट रे केतरे मेजर करू ना 100 केजी 1 क्विंटल इक्वल टू 100 केजी बी रे 1 टन पिले टन ल भी मेजर करबा 1 टन ल वैल्यू केते ना 1000 केजी 1 टन को 1000 केजी बोली रिप्रेजेंट करू समिति पिले 1 पाउंड केते आसी जीवो 1 पाउंड इक्वल टू 0.4536 केजी तो 1 पाउंड इक्वल टू केते पाइले ना 0.4536 केजी तो एटा पिले आमे कहले कहारो ना गोटे मास को मेजर करिवार समिति आमे टाइम को कौथरे मेजर करिवा टाइम रो प्रैक्टिकल यूनिट कौन आसुची नंबर 4 रे पिले आसीबा टाइम को टाइम को पिले हमें स्टैंडर्ड यूनिट सेकेंड रे मेजर करूँ जदि स्टैंडर्ड यूनिट सेकेंड रे मेजर करूचे तो आउ किसी प्रैक्टिकल यूनिट हमें सोलार डे सोलार ईयर आउ सेक यूनिट रे भी रिप्रेजेंट करूँ सोलार डे माने कौन ना पृथ्वी निज अक्ष चारिपटे घूरिया जी समय लगे से कहे सोलार डे पृथ्वी निजर अक्ष चारिपटे घूरिया जी समय लगे से पिले कौन कहुए ना सोलार डे तो दैट इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस पिले तो माने जानिचो जे अर्थ जेते बेले मूवमेंट करूची अर्थ कोन करूची ना निजो एक्सिस सारी पटे भी रोटेट करूची जहाँ पाई कि हमें दिन राति देखि पारुचे तो दिन राति पाई कोन आसुची ना पृथ्वी तार निजो अक्ष चारि पटे रोटेट करूची तो निजो अक्ष चारि पटे रोटेट करिया पाई जेतिके समय लागे सेटा को पिले कोन कह जाय ना सोलार डे सो सोलार डे कोन ना इट इज द टाइम इट इज द टाइम टेकन बाई अर्थ टेकन बाई अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस निजर अक्ष चारिपटे बुलवापी जी समय लगे सेटा को पिले कौन कह जाए ना सोलार डे जनरली तुम अर्थ रो सोलार डे रो टाइम के जाचे
केते 24 आवर गोटे थर बुझा पई केते लागे ना 24 आवर ओके समिति हम पिले मेजर करछ कोउथरे ना सोलर ईयर सोलर ईयर सोलर ईयर सोलर ईयर टा कौन ना पृथ्वी सूर्य चारिपटे घूरबा पई जतिके समय लागे सेटा को पिले कौन कह जाए ना सोलर ईयर त माने इट इज द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन और वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन सूर्य चारिपटे घूरबा पई जतिके समय लागिवो तले सेटा कह जाए सोलर ईयर सो इट इज द टाइम टेकन बाय taken by earth to complete one revolution to complete one revolution around sun सूर्य चारिपटे थरे घूरी आसवा पई जतिके समय लागे पिले सेटा आमे कहुचे सोलार ईयर तो सोलार ईयर वैल्यू तुम जानिछ केते ना 365 डे 6 आवर बा ताको पिले आमे लेखि परिबा केते गोटे सोलार डे को जदि कन्वर्ट सॉरी सोलार ईयर को जदि आमे डे रे कन्वर्ट करबा केते आसीबो ना वन सोलार डे ईयर इक्वल टू वन सोलार ईयर इक्वल टू 365.25 डेज ओके 365.25 सोलार डेज भी हमें लिखि पारिबा सोलार डेज ओके बा 365 डेज 6 आवर बोली लिखा जाए 365 डेज 6 आवर ओके आउ गोटे भी हम पे हम यूज करू यूनिट जेटा हम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम सेटा कह जाए सेक ओके नंबर सी रे आसीबा पिले सेक सेक इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम एटा कोन कह जाए ना इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम बोली कह जाए वन सेक इक्वल टू वन सेक रो वैल्यू केते ना 10^-8 सेकेंड वन सेक रो वैल्यू केते ना 10^-8 सेकेंड ओके सेमिति बोले प्रेशर को मेजर करा जाए प्रेशर तुम्हें जान पास्कल बार टोर ए टाइप रे यूनिट्स रे भी मेजर करूँ एबे देखिबा कौन ना रूल्स टू राइट द यूनिट आम गोटे यूनिट को लिखिबा पई कौन कौन रूल फॉलो करिबा दरकार दैट इज वेरी इंपोर्टेंट हाउ टू राइट द यूनिट्स आम गोटे यूनिट को केमिति लिखिबा पहले भल से शुणब दैट इज वेरी इंपोर्टेंट रूल्स टू राइट यूनिट्स रूल्स टू राइट यूनिट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म सिंबॉलिक फॉर्म रे लिखिया पई हमको को रूल फॉलो करिया को पड़िबो फर्स्ट रूल कहूँ स्मॉल लेटर्स आर यूज फॉर द यूनिट्स आम यूनिट्स पई जनरली कौन यूज करिबा नंबर वन रूल आसुची स्मॉल अल्फाबेट बा स्मॉल लेटर्स आर यूज्ड स्मॉल लेटर्स टाक आम कौन करवा ना आम यूज करवा यूज फॉर द सिंबल ऑफ यूनिट्स सिंबल ऑफ यूनिट्स बोले यूनिट रो सिंबल पाई आम क्या यूज करवा ना स्मॉल अल्फाबेट को यूज करवा सेकेंड थिंग आम कहे सिंबल्स आर नॉट फॉलोड बाय फुल स्टॉप सिंबल परे तुम्हें केबे फुल स्टॉप रिप्रेजेंट करिबो नाही नंबर टू रूल कहे सिंबल्स आर नॉट फॉलोड बाय फुल स्टॉप सिंबल्स आर नॉट फॉलोड बाय फुल स्टॉप त माने हमें पहले स्मॉल लेटर त माने जतरा में मीटर लिखुचे ताको में स्मॉल एम ही लिखिबा
तुम लेंथ को जो मीटर मेजर करचे स्मॉल एम सेंटीमीटर पहले कौन दबा ना सी एम तमाने सी डॉट एम नुहे सी डॉट एम नुहे सी एम पहले दीटा जाको लिखा जीव साथी रे ओके ता भीतर कौन से फुल स्टॉप की डॉट साइन रहिबो नाही सो सिंबल्स आर नॉट फॉलोड बाय फुल स्टॉप और डॉट ओके फुल स्टॉप और डॉट पहले डॉट की फुल स्टॉप रे हमें रिप्रेजेंट करिबा नाही कौन से सिंबल को बुझेला ता माने मीटर डॉट एमते लिखा जीव नाही तो सिंपली मीटर ओके एम लिखा जाय छी ता मनसरा मीटर को ही रिप्रेजेंट करिवो सो सिंबल्स आर नॉट फॉलोड बाय फुल स्टॉप और डॉट थर्ड रूल्स कहउ छी पहले जदी इनिशियल लेटर कहा पाई जदि साइंटिस्ट अछि जदि पिले साइंटिस्ट नेम ऑफ द साइंटिस्ट अछि ताहले सेतबेले हमें सिंबल कैपिटल लेटर यूज करिबा ओके सो इनिशियल लेटर ऑफ द सिंबल इज कैपिटल ओनली व्हेन द यूनिट इज नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट जदि यूनिट साइंटिस्ट को नेम अनुसार अछि ताहले हमें पिले कौन यूज करिबा ना कैपिटल लेटर यूज करिबा ओके तो इनिशियल लेटर ऑफ द सिंबल इनिशियल लेटर ऑफ द सिंबल पहले सिंबल रे हमें सिंबल ने जब इनिशियल लेटर लिखिबा सिंबल लो इनिशियल लेटर टा सो इनिशियल लेटर ऑफ द सिंबल इज इन कैपिटल लेटर देखो पहले सिंबल लो इनिशियल लेटर टा कैपिटल केते बेले रहिबो व्हेन द यूनिट इज नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट ओके कैपिटल लेटर व्हेन द यूनिट इज नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट जदि पिले साइंटिस्ट को नेम रे कौनसी सिंबल को हमें लिखुचे तो से सिंबल को हमें पिले कैपिटल अल्फाबेट रे रिप्रेजेंट करिबा सिंबल को ओके बट जेतले हमें ताको फुल यूनिट रे फुल नेम रे लिखुचे फुल नेम रे ऑलवेज स्टार्टिंग रहिबो स्मॉल लेटर रे दैट इज वेरी ए दिटा इंपोर्टेंट पिले जेमि हमें कहुचे केल्विन जदि पिले केल्विन लिखिबी तो केल्विन माने मु स्मॉल के रे ही लिखिबी बट सिंबल देबी कैपिटल के ओके एम्पियर पहले स्मॉल ए रे लिखिबी बट सिंबल देबी कैपिटल ए एम्पियर जने साइंटिस्ट को ना केल्विन होची जने साइंटिस्ट को नाम अनुसार रहिची तेनु पहले हमें कौन करिबा ना एउडा को हमें केमिति रिप्रेजेंट करिबा ना कैपिटल ए बट लिखिबा कौन ना जो फुल नेम लिखुचे एम्पियर जेतो लिखिबा तो स्टार्टिंग पहले स्मॉल अल्फाबेट लिखिबा ओके तले एठी नेक्स्ट रूल कहउची द फुल नेम ऑफ जितने हमें फुल नेम को पहले रिप्रेजेंट करचे फुल नेम ऑफ ए यूनिट इज ऑलवेज जदि हमें पहले फुल नेम रिप्रेजेंट करचे ऑफ ए यूनिट ऑलवेज बिगिन्स विथ स्मॉल लेटर इवन इफ इट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इवन इफ इट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट नेम ऑफ द साइंटिस्ट साइंटिस्ट रो नेम थिले मध्य जेतले हमें फुल नेम रे लिखिबा पिले ताके हमें कौन कहिबा ना से ऑलवेज स्मॉल अल्फाबेट रे ही स्मॉल लेटर रे ही स्टार्ट हबो पहले एग्जांपल एट नहीं चाहिए एम्पियर स्मॉल ए रे स्टार्ट करली थर्ड थिंग्स को उची द यूनिट्स सिंबल्स डू नॉट टेक द प्लुराल फॉर्म पहले सिंबल केबे प्लुराल फॉर्म नबो नाही ओके सिंबल को केबे हमें प्लुराल रे रिप्रेजेंट करिबा नाही नंबर 5 रूल को उची सिंबल्स डू नॉट टेक प्लुराल फॉर्म
ओके सिम्बल्स टा केबे पिले प्लुराल फॉर्म रे रिप्रेजेंट करिबा नाही पिले ए रूल्स छुडा को तमे चाहिबो जदि स्क्रीनशॉट भी नै जाई परिबो त ए रूल्स छुडा इंपोर्टेंट कहा पई एउटा जे कोनोसी सिम्बल बा यूनिट को रिप्रेजेंट करिबा पई आमे कहले ऑलवेज गुडे स्मॉल लेटर रे सिम्बल को रिप्रेजेंट करिबा सिम्बल्स आर नॉट फॉलोड बाय फुल स्टॉप सिम्बल परे बा पूर्वरो आमे फुल स्टॉप यूज करिबा नाही इनिशियल लेटर केतेबेले कैपिटल रहिबो गुडे सिम्बल रो इनिशियल लेटर केतेबेले कैपिटल रहिबो जदि से कहा ना अनुसार अच्छी ना साइंटिस्ट को नेम अनुसार अच्छी स्टेरिडियन ले हमें कैपिटल एस लिखिबा स्टेरिडियन ले कैपिटल एस आर लिखिबा पिले एटा स्टेरिडियन रो जो यूनिट हमें रिप्रेजेंट करले सॉलिड एंगल ले तो कैपिटल एस रे रहिबो ओके जदि हमें सिंबल रिप्रेजेंट करूचे ताहले कैपिटल लेटर रहिबो कोठी ना इन केस ऑफ साइंटिस्ट रे सेकंड हमें कहूचे फुल नेम जेते बेले लिखुचे तो सेते बेले हमें सबुडा को स्मॉल अल्फाबेट रे ही रिप्रेजेंट करिबा सिंबल्स केबे प्लुराल फॉर्म नेबो नाही सो दिस आर द डिफरेंट रूल्स टू राइट द सिंबल ऑफ द यूनिट ओके थैंक यू सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे